जैसा आप सभी को पता है, दिल्ली में बाइक टैक्सी पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। कोई भी प्राइवेट व्हीकल अपनी ओला उबर रैपिडो में बाइक नहीं चला सकता। साथ में ही जो फूड डिलीवरी कंपनी है, जोमैटो, स्विगी, सैडोफैक्स और भी बहुत सारी डिलीवरी कंपनी है, जिसके राइडर्स डरे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हमारा भी चालान कटेगा या नहीं। तो इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजों पर पाबंदी लगाई गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम आफताब और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा आपने देखा होगा, हमेशा मैं वीडियो में खुश दिखता हूँ और बहुत ही ज्यादा स्माइल मेरे फेस पर होती है, पर आज नहीं है, क्योंकि आज मैं सभी राइडर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं खुद भी परेशान हूँ। जैसे रोड पे ट्रैफिक रूल्स बदल गए हैं, ओला उबर रैपिडो कोई भी बाइक प्राइवेट बाइक नहीं चला सकता। चलाएगा तो 5,000 का चालान पहली बार में, दूसरी बार में 10,000 का चालान और बाइक भी जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ में एक और इन्होंने बताया है कि बाइक बुकिंग करके अपने आप को एग्रीगेटर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें 1,00,000 तक का चालान कट सकता है। 1,00,000 तक का चालान। और मैंने अभी ये एग्रीगेटर क्या होता है, ये मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें पता चला कि परिवहन के माध्यम, ये ट्रांसपोर्ट हो गया या मार्केट पैलेस। और मार्केट पैलेस का मैंने सर्च किया, सैडोफैक्स में दिखता है कि जो भी फूड डिलीवरी होती है वो मार्केट पैलेस कहलाती है, ऐसा सैडोफैक्स कहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई, अगर फूड डिलीवरी कर रहे हैं, जैसा मैंने इसमें पढ़ा और रिसर्च किया, तो अगर फूड डिलीवरी कर रहे हैं तो 1,00,000 तक का चालान कट सकता है, जो इसमें कहा गया है। और बाइक टैक्सी वगैरह तो पूरी तरीके से बैन है। सारे राइडर्स घर पे बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हुआ, पूरा डर का माहौल है, क्योंकि इतना कमाएंगे नहीं, इससे ज्यादा हमारा चले जाएगा, चालान कट जाएगा। तो परिवहन मंत्री ने जो ये डिसीजन लिया, ये बहुत गलत लिया, ये अभी नहीं लेना चाहिए था। बेरोजगारी एक तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लाखों राइडर्स घर पर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, डरे हुए हैं। तो मेरा यही गुजारिश है मंत्री जी से कि ये अपना डिसीजन वापस ले लिया जाए, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। एकदम से किसी को हटा देना काम से, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है एक राइडर के लिए, जो अपना सिर्फ जीवन यापन कर रहा है, सिर्फ अपने खर्चे निकाल रहा है, कोई ज्यादा अर्निंग नहीं कर रहा है। ऐसे नियम बनाना सरकार को नहीं चाहिए थे, ये नियम वापस ले जाने चाहिए और कुछ टाइम दे देना चाहिए कि 6 महीने बाद ये दोबारा से नियम आएंगे, इतना हम जो राइडर्स हैं वो अपना कुछ देख लेंगे या कुछ काम कर लेंगे। अब बात आती है, जो डिलीवरी कंपनी कह रही है कि इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट या ओला उबर के लिए बैन किया गया है, आपको नहीं किया गया, आप डिलीवरी करो। तो मैं सभी फूड डिलीवरी कंपनी के CEO और जो भी उनके एरिया मैनेजर वगैरह हैं, सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो वहां से बैठ के बोल दिया कि आपका कुछ नहीं हो रहा। जो राइडर्स रोड पर घूम रहे हैं, जिनके चालान कट रहे हैं, उनका क्या, उनके पैसे कौन देगा, या उनकी जो परेशानियां उनको कौन देखेगा? अब वो ट्रैफिक पुलिस वाले से क्या कहेंगे कि हमारी कंपनी ने कहा है आप काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? वो किसी की नहीं सुनते। वो लेटर्स, वो उन्हें प्रूफ चाहिए कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास में कि तुम्हारी कंपनी ने ये कहा। हम उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाएंगे या उन्हें हम अपनी नोटिफिकेशन दिखाएंगे, देखिए जी हमारी कंपनी ने ये कहा है आप काम करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे नहीं होता। या तो मैं सभी डिलीवरी कंपनी से यह कहना चाहता हूं, या तो आप हमें रिटर्न में एक लेटर दें, जो कोर्ट से मोहर लगी होनी चाहिए, जिस पर लिखा होना चाहिए कि फूड डिलीवरी वाले जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो काम कर सकते हैं। तो हम वो लेटर्स लेके ट्रैफिक पुलिस वालों को दिखाएंगे कि देखो हमारी कंपनी ने रिटर्न में लेटर लिया हुआ, हमें आप नहीं रोक सकते, आप हमारा चालान नहीं काट सकते। या तो कंपनी ऐसा करें, या कंपनी फिर ऐसा करें कि जो राइडर्स का अगर चालान कट रहा है तो वो कंपनी पे करेगी, राइडर पे नहीं करेगा। आपके बहलाए में आकर, आपकी बातों में आकर एक राइडर बाहर काम करने निकल जाता है, उसका जब चालान कटता है तो आप नहीं पे करते, उसकी बात ऊपर तक पहुंचती भी नहीं है, वो हमारे थ्रू, हमारे माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं। सभी राइडर्स का यही कहना है, सब डरे हुए हैं घर पर, बेरोजगार हो गए हैं। तो मेरी विनती है सरकार से, अपना ये नियम वापस ले लें, या फिर अगर अगर आपको बदलाव करने ही हैं
तो ऐसे बदलाव कीजिए। जो टैक्सी बाइक टैक्सी है उसका रेट ये 6 या 7 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं, इसका 10 रुपए किलोमीटर करा दीजिएगा। बदलाव करने चाहिए तो ऐसे बदलाव कीजिएगा, ये फालतू के बदलाव करने से आपने राइडरों को बेरोजगार कर दिया है। जो दूसरे दूसरे स्टेट से आकर दिल्ली में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? जिनका परिवार दूसरे स्टेट में रह रहा है उनका क्या होगा? वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली में आए हैं और आपने बैन कर दिया, अब वो कहां जाएंगे? जो दर दर ठोकर नहीं खाते, एक आसान प्लेटफॉर्म है डिलीवरी या बाइक टैक्सी, जिसमें राइडर्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जॉब ढूंढने के लिए सिर्फ आईडी बनानी होती है और वो अपना काम शुरू कर सकता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है, अपनी बाइक सभी के पास में होती है, बस सिर्फ उन्हें अपनी जो भी ऑनबोर्डिंग फीस होती है वो देकर अपनी आईडी बना लेते हैं और काम कर लेते हैं। आपने उन्हें ही बाहर निकाल दिया, क्या कर रहे हो आप? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरी यही विनती है सरकार से कि अपने नियम वापस ले लें और जितने भी ये फूड डिलीवरी वाले, आपको बैन लगाना है, आप इनका राइडर का चालान मत काटो, आप डायरेक्ट जाके कंपनी बंद कराओ ना, ये ओला उबर रैपिडो डायरेक्ट कंपनी बंद कराओ। अगर कंपनी बंद कराने जा रहे हैं तो जो इसमें काम कर रहे हैं, जो इसमें राइडर हैं, पहले उनको जॉब दो, पहले उनको काम दो, उसके बाद में कंपनी बैन कराओ। तुम डायरेक्ट राइडर का चालान काटने से बताओ क्या होगा? एक गरीब का गला घोट रहे हो आप। तो मेरी कंपनी से यही वो है और सरकार से भी है कि देखो, कंपनी को भी एक्शन लेना चाहिए अपने राइडर्स के लिए, उन्हें सपोर्ट करो। हमने आपको आसमान तक पहुंचाया है, जितनी भी कंपनियां हैं, डिलीवरी कंपनियां और टैक्सी कंपनियां, हमने आपको आसमान में पहुंचाया और आज आपने हमें रोड पे छोड़ दिया मरने के लिए, चालान कटवाने के लिए। आप हमारा साथ दो। और मेरा मंत्री जी से भी कहना है, परिवहन मंत्री जी से भी, कि अपने नियम ये वापस ले लें, कुछ महीनों का टाइम दे ताकि हम राइडर्स डिलीवरी छोड़कर अपना कोई और काम देख लें या कोई और जॉब देख लें। कोई नहीं बताएगा, जो चीजें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, तो जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनी है वो हमें रिटर्न में एक लेटर दे दें कि आप अब हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका कोई चालान नहीं कटेगा, ये आपका ये रहा, हमने कोर्ट से पेपर लिया है, ये आप दिखाकर आप चालान से बच सकते हो। या चालान अगर कटेगा तो कंपनी सीधा दावा करके बोल दे कि किसी भी राइडर का अगर चालान कटेगा तो कंपनी पे करेगी। इस अगर ऐसा आप करते हो तो हम डिलीवरी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें डर नहीं होगा। अभी हमारे दिलों में डर है, सारे राइडर घर पर बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको रूल्स दिखाए हैं वो मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें साफ साफ देख लेना कि अगर एग्रीगेटर जो बताया गया है, एग्रीगेटर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें 1,00,000 रुपए तक का चालान है, कहां से भरेगा राइडर? क्या आप ट्रैफिक पुलिस वाले से लड़ेगा? जिसे रूल या लॉ नहीं पता वो क्या करेगा? बेचारा मजबूरी में चालान कटेगा, वो चालान कटवा के सीधा घर आ जाएगा, वो फिर काम पर भी नहीं जाएगा। तो ये कंपनियां एक्शन ले और मंत्री जी ये अपना रूल्स वापस लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा राइडर शेयर करें ताकि एक एक चीज हर एक को पता चल पाए कि इस टाइम पे क्या रूल्स आए हैं और क्या बदलाव करने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा।